हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, बेहतर होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट युद्ध के बारे में। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए। ये एक छोटा सा समरी टाइप का है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सभी के लिए। तो पहला है हमारा, हम एंग्लो फ्रेंच कार्नेटिक वार के बारे में पढ़ेंगे। तो 1744 से 48 के बीच में फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच कार्नेटिक वॉर जो है कि लड़ा गया था, जिसमें मद्रास ने था, जो मद्रास है वो ब्रिटिशर्स को वापस दे दिया गया था। किसने दे दिया था? फ्रेंच ने मद्रास को ब्रिटिश को वापस दे दिया था। और ये जो है, ये युद्ध जो है वो ट्रीटी ऑफ, ये गलत हो गया था, ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपल के द्वारा समाप्त हुई थी। ठीक, एक छोटा सा बैटल है, बैटल ऑफ सेंट थोम। ठीक है, स्मॉल फ्रेंच आर्मी उसमें जो थी वो डिफिटेड हुई थी, यानी हारी थी। किसके द्वारा? नवाब अनवरुद्दीन के बड़े से आर्मी के द्वारा। जो फ्रेंच की छोटी सी आर्मी थी वो हार गई थी। किस बैटल में? बैटल ऑफ सेंट थोम। फिर है सेकेंड एंग्लो फ्रेंच कार्नेटिक वॉर, ये हुआ था 1748 से 54 के बीच में, जो कि फ्रेंच के साइड से कौन कौन था देखिए, मुजफ्फर जंग जो कि असफ जाह का ग्रैंडसन था, ठीक है, यानी पोता था, और चंदा साहिब, कर्नाटक में चंदा साहिब। तो फ्रेंच ने किस किस का साथ दिया था? मुजफ्फर जंग का और चंदा साहिब का। और जो इंग्लिश थी, यानी जो अंग्रेज थे, उन्होंने नासिर जंग कौन था? निजाम, ठीक है, जो निजाम असफ जाह थे उनका बेटा था ये, और अनवरुद्दीन कर्नाटक साइड से अनवरुद्दीन। तो इंग्लिश जो थे उन्होंने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिया था। ये युद्ध जो था वो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के द्वारा समाप्त हो गया था। ठीक है, फिर है आपका 1757 to 63, इसमें थर्ड एंग्लो फ्रेंच कार्नेटिक वॉर हुए थे। इसमें क्या हुआ था, जो फ्रेंच थे इन्होंने सेंट डेविड, ठीक है, जो था ठीक है, उसको इन लोगों ने कैप्चर कर दिया था। जो काउंट दी लैली, उसका पूरा नाम था काउंट दी लैली, वो जो है हेड था फ्रेंच के साइड से। ठीक, और वहां, और 1760 में एक बैटल हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश। ठीक है, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश हुआ था किसमें, किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। और ब्रिटिश के साइड से सर आयर कूट जो थे वो थे। ठीक है, फिर 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। ये तो मतलब ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है और हर बार आता है। तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश के साइड से था क्लाइव और मीर जाफर, इन लोगों ने शिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, और मीर जाफर को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था, लेकिन बाद में, ठीक है, बाद में क्या हुआ था कि उसके सन इन लॉ के द्वारा वो रिप्लेस कर दिया गया था। जो मीर कासिम, जो मीर जाफर का सन इन लॉ था यानी दामाद था, उसने उसको रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, और क्या क्या हुआ था बैटल ऑफ प्लासी में? लेकिन फिर वही चीज हो गई थी कि फिर जो है कि मीर जाफर ने रिवॉल्ट किया और फिर से मीर जाफर जो है कि बन गया था बंगाल का गवर्नर। 1760 में हुआ था बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश मैंने पहले भी आप सभी को बताया, तो जो फ्रेंच था वो हार गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, और ब्रिटिश के साइड से जो हेड कर रहा था वो कौन था? जनरल आयरकूट। ठीक है, 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे बैटल्स इम्पॉर्टेंट हैं, और ये सब जो बैटल ऑफ प्लासी हो गया, फिर बक्सर हो गया, ये सब फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। फिर क्या हुआ था इसमें? जो मीर कासिम था, फिर शुजाउद्दौला था, और शाह आलम द्वितीय जो थे, इन्होंने ये जो है कि मेजर मुनरो द्वारा हरा दिए गए थे। ठीक है, तो क्या हुआ था? टू ट्रीटीज हुए थे। पहला हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि जो बंगाल की दीवानी थी,
उड़ीसा और बिहार की, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी वो इंग्लिश को दे दी गई थी, और इंग्लिश को यानी अंग्रेजों को अवध में भी व्यापार करने के अधिकार मिल गए थे। और सेकंड क्या हुआ था कि शाह आलम एज अ पेंशनर हो गए थे, 26 लाख का पेंशन इनको देना पड़ता था। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और बाकी के वीडियोस, बाकी का जो कंटेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी।